होते हुए त्रिवेणी संगम की या रेलवे की यात्रा आज माननीय जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति में शुरू हुई है। हम सभी क्षेत्रवासी आम सभी का सभी अपने अतिथियों का बार बार हार्दिक अभिनंदन करते एवं स्वागत करते हैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से। आप लोग अपने ट्रेन चली गए, खुल गई ट्रेन सच करके तैयार है और यह अभी आज पहली बार दोहरी घाट से मऊ चलेगी, लेकिन इसके बाद यह दोहरी घाट से प्रयागराज पूरी ट्रेन चलेगी और ट्रेन चलने के लिए आज देखेंगे तो बकायदा पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसके संचालन को लेकर के जो अड़चने थी दूर हो गई और आज पहली बार दोहरी घाट से यह ट्रेन खुलने जा रही है और यह पूरा आज ट्रायल है। तो उतर जाओ, थोड़ा सा उतर जाओ। हम लोगों की बहुत बड़ी निधि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी निधि मिली है जी, इसका इंतजार बहुत दिनों से था। हम लोग टिकट ले करके भारत सरकार के मंशा के साथ बाप बेटे दोनों लोग हैं। अच्छा, बाप बेटा आप दोनों लोग हैं। हम लोग टिकट लिए हैं, इसमें योगदान करें। पहला सफर करेंगे आप लोग? पहला सफर करेंगे और हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी मुराद पूरी हुई। अब तो 70 साल उम्र हुई, जीते जी मुराद पूरी हो गए। तो आप देखिए ये पिता पुत्र दोनों लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप राय। प्रदीप राय जी, बड़ी इच्छा थी पापा की, आपकी तो सामने पूरे हो गई सब कुछ इच्छा है। बहुत बढ़िया। क्या लाभ मिलेगा ट्रेन के संचालन से? ये तो ये क्षेत्र पूरा जो है विकास की धारा से जुड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे मानचित्र है उस पर दोहरी घाट का एक स्थान रहा है, आज भी है और भविष्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि और उज्ज्वल होगा। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवागमन की सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहाँ पे और भी कमर्शियल और ट्रेड के पर्पज से ये क्षेत्र और बढ़ेगा। और वाराणसी का रूट और ये देखेंगे। सबसे बड़ा जानना चाहते हैं, दोहरी घाट प्राचीन व्यापारी कट्टा रहा है, अब व्यापार को कितना पंथ लगेगा? व्यापार को बहुत ज्यादा, दोहरी घाट साथ साथ बढ़ावगंज भी है व्यापारिक नगर और इसका बहुत बड़ा व्यापारिक प्रगति होगी। तो देखिए लोग बड़े उत्साहित हैं जो ट्रेन में चढ़ चढ़ के मजा ले रहे हैं और जो लोग पहली बार सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जी, जी, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे एरिया में अगर ट्रेन चलेगी तो हमें फायदा होगा, उन्नति होगी हमारी और कहने का मतलब है कि किराए में बहुत फर्क पड़ेगा। सरकार को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मंत्री जी को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर। देखिए बड़े लोग खुश हैं, बड़े मजे में, प्रसन्नचित हैं आप लोग? तो देखिए ट्रेन चल रही है, ट्रेन पूरी तरह से फूल माला सजा गया और पीछे देखें तो एक ग्रामीण जीवन शैली है और इसी गांव के बीच में यह ट्रेन मऊ से दोहरी घाट के बीच में पहली बार चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यह ट्रेन दोहरी घाट से प्रयागराज चलेगी तो जो इलाहाबाद जाने वाले लड़के हैं उनके लिए बढ़िया है, जो कोर्ट कानून और तमाम लोगों के लिए। और सबसे बड़ा है कि दोहरी घाट से सामान ला दिए और इलाहाबाद में उतारिए, तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद तक के लोगों को अब आने जाने का सबसे बड़ा। युवा है, कहाँ जाना है आज भैया? चौहान जी क्या हालचाल है? बढ़िया। कहाँ जाना है? मऊ जाना है। मऊ जाना है, तो पहली बार सफर हो रहा है, क्या कहेंगे? पहली बार हो रहा है भैया, बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत खुशी है, शब्द में नहीं माप सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं। वाह, कहाँ आप जाना है? इलाहाबाद। अच्छा, तो मऊ तक जाने के लिए बड़े खुश हैं और तमाम लोग। ठीक ना? हाँ, लाइव चल रहा है आपका। ठीक है भैया, ठीक है। तो देखिए तमाम लोग बड़े प्रसन्नचित हैं तमाम। तो मैं अभिषेक हूँ और आज जाहिर सी बात है ऐतिहासिक पल है मऊ के लिए, मऊ की जनता के लिए और विशेष करके जो दोहरी घाट कोपागंज घोसी और तमाम अमीला के लोग हैं उनके लिए आज ऐतिहासिक पल है। देखिए कैमरे में कैद कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। जलवा है देखिए। अच्छा, कहाँ तक सफर हुई, कहाँ तक जाके बा? दोहरी घाट मऊ। अच्छा, ड्यूटी में पहली बार ट्रेन चल रही है यहाँ से, कैसी खुशी है? खुश हो लो, अब मऊ जाके आसान हो जाए। मोटरी गठरी फूल लाद ला एकदम। खुश हो? ड्यूटी छोड़ दे लो? अरे वाह रे खुशी, क्या करे लू? अच्छा राज कर्मचारी, देखिए ये लोग कितना खुश हैं, ड्यूटी छोड़ छोड़ के आज सफर कर रहे हैं। हाँ, अच्छा संगम स्नान हो जाइए, जैसे ट्रेन में बैठा इलाहाबाद पहुँच जा, नहा धो चलिए। देखिए खुश सब लोग एकदम,
बच्चे के लिए भी बहुत खुशी है कि आज पकड़ेंगे और चले जाएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद जो पढ़ाई करा था, पढ़ाई करते हैं तो लोग तीर्थों के लिए वो। देखिए कितने लोग खुश हैं, और यह खुशी होती है जब सरकार विकास करती है तो जनता खुश होती ही है। और आज यह दोहरी घाट स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना हो रही है और लोग बड़े प्रसन्नचित हैं। और यहाँ पर पूरे देखेंगे तो जश्न का माहौल है। पूरे रेल का जो ट्रेन है उसको सजाया गया है, संवारा गया है और पूरी ट्रेन फूलों से सजी है। और यह जो मोमू ट्रेन है, यानी कि मेमू ट्रेन है, वो गुजर रही है। आपको दिखा देता हूँ एक बार दोहरी घाट रेलवे स्टेशन। और देखेंगे तो AK शर्मा के स्वागत में यहाँ पर तमाम पोस्टर लगे हैं और इस ट्रेन का उद्घाटन मोदी करेंगे बनारस से। और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं AK शर्मा, वह हरी झंडी दिखाएंगे। तो आप लोगों को एक बार जो दोहरी घाट रेलवे स्टेशन है वो दिखा दूँ कि दोहरी घाट रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है, क्या कुछ है। अभी यहाँ पर तमाम काम हुए नहीं हैं तो अभी स्टेशन तक तमाम काम बचे हैं, लेकिन आज देखेंगे तो जल्दी जल्दी बालू वालू लगा करके इसकी शुरुआत हो गई है। भविष्य में स्टेशन पर और काम होना बचा है। तो ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा दोहरी घाट रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों के स्वागत के लिए दोहरी घाट रेलवे स्टेशन तैयार है। आप यहाँ से आइए और पूरे इलाहाबाद तक बैठ के जाइए, ट्रेन खुल गई है। कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही। हाँ, दोहरी घाट व्यापारी अड्डा रहा है, अब यहाँ से ट्रेन खुल रही है, तो भविष्य में क्या संभावनाएं बढ़ने वाली हैं? अच्छी संभावना है। एक समय था कि यहाँ पे 32 दाल मिले हुआ करती थी, आज ट्रेन न होने के कारण सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। एक दो चीनी मिल वो मिले हैं जो दाल की मिले हैं जो चल रही हैं इस टाइम। अब मिले बढ़ेंगी? मिले जरूर बढ़ेंगी, व्यापार के साधन होंगे तो मिले बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो हम सभी उनका सहयोग करें, कोई कार्यक्रम में व्यवस्था हो। हम उपस्थिति में यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो है एक्चुअली हरी झंडी दिखाई के क्षेत्र महामंत्री सुनील गुप्ता जी जो व्यापार जो है ढका जाता था, यही घोसी के माटी के लाल है मलमल जो है आपके कार्यक्रम को इंजन के पास थोड़ा जगह देते राकेश सरसौली टीवी लगी हुई है, साथ में वेब कैम लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं 3 ड्रोन लगे हुए हैं। मंत्री जी नजर कर रहे हैं, 3 ड्रोन लगा हुआ है पूरे इसे लाइव करने के लिए, इस व्यवस्था को लाइव करने के लिए 3 ड्रोन लगाए गए, यानी कि पूरी जो यहाँ की ऐतिहासिक शुभारम्भ होने जा रहा है। पूरा यह ऐतिहासिक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक वो दशक लगभग 28 दशक के बाद और यहाँ के लोगों को रेलवे या रेल की ट्रेन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नई पीढ़ी पूरी आ गई है और आप देख सकते हैं कि जो पीढ़ी है ये लगभग